स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। हम में से ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते हैं, अच्छे खान पान से शरीर की हर जरूरत को पूरा करते हैं जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे और बीमार न पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के अलावा आपके माइंड को भी आपकी केयर की बहुत जरूरत होती है? आज ज्यादातर लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं उसके बाहरी कारण कम होते हैं बल्कि मानसिक कारण ज्यादा होते हैं। आज लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और इसी के फलस्वरूप उन्हें कई अन्य बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। विश्व में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज इस मौके पर हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं जिनसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचें, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। ये करना आसान नहीं होगा लेकिन अभ्यास करते करते आपको पॉजिटिव सोचने की आदत जरूर पड़ जाएगी। नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें। जब आप नेगेटिव सोचते हैं जैसे कि तुलना करना, किसी से जलन होना, किसी का बुरा चाहना या बदला लेना, ऐसी भावनाएं रखते हैं तो आपके दिमाग में जरूरत से ज्यादा विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिससे कि आपके दिल की गति बढ़ने लगती है। इसी वजह से आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी घेर सकती हैं। इसलिए अपने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। ऐसी बातें जो आपको तनाव दे रही हैं उन्हें छिपाने की बजाय जरूरत लगने पर किसी करीबी से शेयर करें। इससे आपका मन हल्का होगा। ज्यादा समय चिंता में बिताना किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसका आपके शरीर पर भी बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारी बताई हुई इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।